क्या आप चाहते हैं कटिहार का हर खबर आपके मोबाइल तक पहुंचे? तो उठाएं मोबाइल और यूट्यूब खोलें, फिर सर्च करें KTN न्यूज कटिहार। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज युवा राजद के बिहार प्रदेश सचिव श्री आशु पांडे ने कटिहार के सिविल सर्जन से मुलाकात की और कहा कि विगत 3 सालों से सदर हॉस्पिटल का ICU बंद पड़ा है, जिसके कारण कटिहार जिले के गरीब मरीज को काफ़ी दिक्कत हो रही है। गरीबी के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में इलाज कराने में वह सक्षम नहीं है। श्री आशु पांडे ने कहा कि देखिए, लगातार अभी जो नए CS आए हैं, इनसे पहले भी जो 2 CS थे, मैंने उनसे भी कहा कि कटिहार हमारा पिछड़ा इलाका है, काफ़ी यहाँ गरीबी है और यहाँ कटिहार का मुख्य लाइफलाइन कटिहार सदर हॉस्पिटल है और लगातार करीब 3 सालों से, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये करोड़ों रुपये का ICU बना पड़ा है, मगर आज 3 साल से बंद है। मैंने लगातार इस ICU के लिए सवाल उठाया कि ICU बंद है, गरीब लोग प्राइवेट में जाके ICU पे इलाज नहीं करा सकते हैं, ये कटिहार काफ़ी पिछड़ा इलाका है। मगर आज तक मुझे ताजुब होता है कटिहार के सदर विधायक माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी, जिन्हें आज तक कभी सवाल नहीं उठाया विधानसभा में कि हमारा ICU बंद पड़ा हुआ है, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं, आज तक बात नहीं हुई है। लगातार मेरा सवाल है, मैंने CS को आज भी कहा है कि सर जितनी से जितने जल्द हो इस ICU के लिए आप बात उठाएं, अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो मैं इसी जगह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा जब तक ये हमारा ICU नहीं खुल जाता है। लगातार कटिहार स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ता जा रहा है। जिम्मेवार कौन? जाहिर से बात है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है, बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी जिम्मेदार हैं। जब आप शासन में हैं और आप कटिहार के जो या पूरे बिहार के, जब आप आवाम के कि उनकी जो बीमारी है उनकी इलाज के लिए जो सदर हॉस्पिटल में लोग निर्भर रहते हैं, गरीब लोग निर्भर रहते हैं, अमीर के पास तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, पारस है, मैक्स है, वो कहीं जा सकते हैं, मगर जो गरीब आवाम है उनके लिए तो मात्र एक सदर हॉस्पिटल है। अभी आप पता करो कटिहार सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर तक नहीं है, भैया भगवान भरोसे चल रहा है। मैंने साफ कहा है CS साहब को, आप मेरी बातों को आप रखें और नहीं तो अब आर पार की लड़ाई भैया कटिहार में होगी। CS साहब ने क्या आश्वासन दिया? CS साहब ने कहा कि मैं आपकी बातों को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं, लगातार मैं इस बात को बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा। अब मुझे लगता है कि CS साहब काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो जरूर करेंगे। बीते दिन जो आपने एम्स को लेकर के एक मुहिम छेड़ी थी, भैया मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा कटिहार के लोग, जो मैंने एम्स के लिए ये जो कहा कि कटिहार में एम्स होना चाहिए, कि हमारा जो सीमांचल का एरिया है यहाँ से बड़े तादाद में लोग जो हैं वो पटना और दिल्ली पे निर्भर हैं, अगर सीमांचल के एरिया में कटिहार क्योंकि मुख्य उत्तर भारत का मुख्य जोन है, अगर यहाँ एम्स की शुरुआत होती है, यहाँ एम्स का एक ब्रांच लगता है, तो मुझे लगता है बहुत हद तक ये यहाँ के लिए एक वरदान होगा। मगर दुर्भाग्य है कटिहार के बड़े नेता दुलाल चंद गोस्वामी हो या हमारे यहाँ के विधायक हो तारकेश्वर भगत जी, इन्होंने अभी तक पहल भी नहीं की है और मुझे लगता है कि अगर आप नरेंद्र मोदी से आपका बढ़िया संबंध है और आप अलायंस में है, सरकार में है, तो आपको ज़रूर उन्हें कन्विंस करके यहाँ पर एक एम्स का ब्रांच खोलने के लिए दबाव देना चाहिए या उनसे आग्रह करना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि इनके अंदर में काम करने का कोई जज्बा है, इसीलिए आज स्थिति यह है। मगर लड़ाई लड़ी जाएगी और कटिहार के लोगों का यह मानना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। कितने दिन से बंद है? 3 साल हो गए जी। 3 साल नहीं नहीं, एक साल चला है जी। 1 साल के बाद यह ICU बंद पड़ा है, करोड़ों रुपए का इंस्ट्रूमेंट लगा है यहाँ, 3 साल आज बंद है, मगर अभी तक कटिहार सदर विधायक ने विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आशु पांडे, युवा राजद बिहार प्रदेश सचिव। द न्यू चैप्टर ऑफ हाईटेक चाइल्ड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी, भेरिया रहिका कटिहार, स्वर्ण पदक प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक द्वारा संचालित प्री नर्सरी टू 10th वार्धा कैंपस, सेपरेटेड हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीम, सेफ एंड सिक्योर कैंपस,
एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटेल्स, ब्रांडेड स्कूल मेडिटेट सिंबायोसिस एकेडमी 6299779474 6200706